आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, कंडक्टर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 100 टेस्ला, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर इन 5 सेकेंड, इट्स प्लेन, क्या लिखा है, इट्स प्लेन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इट्स प्लेन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन इट। इसका क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 3 मीटर, क्या है 3 मीटर, वो एक वेलोसिटी v से आगे जा रहा है। ठीक, एक वेलोसिटी v से आगे जा रहा है, जो जो उसका प्लेन ऑफ मोशन है ये, इसके बीच, और सपोज करो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा प्लेन ऑफ मोशन है, क्या है प्लेन ऑफ मोशन, मतलब किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो उसे गिवन है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक 3 मीटर का कंडक्टर है, वो मूव कर रहा है अलॉन्ग द प्लेन विद द वेलोसिटी वी, और जब वो मूव करता है तो उसका एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है और जो उसका एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक, तो अब एक काम करते हैं हम लोग, देखते हैं इसके अंदर कैसे हम लोग EMF का फॉर्मूला लगाएंगे। EMF का एक फॉर्मूला होता है फॉर अ मूविंग कंडक्टर, ये बहुत स्पेशलाइज फॉर्मूला है, इसका बोलते हैं हम लोग EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू BLV sin थीटा। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो B है, B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, क्या है मैग्नेटिक फील्ड, L जो है वो हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर, और जो हमारी वेलोसिटी है V, और थीटा जो है एंगल बिटवीन वी एंड बी, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है हमारा थीटा। अब इसका क्या मतलब है, ये फॉर्मूला है फॉर द EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू व्हेन इट इज़ मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सम स्ट्रेंथ। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो है 100 टेस्ला, बी इक्वल टू हमें गिवन है 100 टेस्ला, लेंथ ऑफ कंडक्टर इक्वल टू हमें गिवन है 3 मीटर। अब हमारे पास जो मिसिंग चीज़ है वो है हमारी वेलोसिटी, हमें यहाँ पे वेलोसिटी पता ही नहीं है, बट वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या गिवन है कि जो वो हमारा कंडक्टर है इट कवर द डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर इन 5 सेकेंड। अब वेलोसिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसने कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया 70 मीटर, 70/5 काट दो, 14 मीटर पर सेकेंड आ गया इसका आंसर, क्या आ गया v इक्वल टू आ गया यहाँ से हमारा 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग इसका इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, मतलब EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज़ मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू v, मतलब 100 इंटू एल इंटू 3 इंटू वेलोसिटी दैट इज 14 इंटू हमारा साइन 30 डिग्री इज आर 1/2। ठीक, अब इसका मतलब साइन 30 आ गया हमारा 1/2, 2 से 14 कट जाएगा 7 आ जाएगा, 7 3 21 2100, इसका मतलब क्या आंसर आ गया हमारा 2100 volts, ये आ गया हमारा EMF इंड्यूस्ड का आंसर ऑफ अ 3 मीटर कंडक्टर मूविंग विद अ वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 100 टेस्ला एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर 2100 volt। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।